झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद से गेहूं के भाव करीब 200 रुपए क्विंटल कम हुए हैं, लेकिन बाजार में आटे का भाव जैसे का तैसा बना हुआ है। साधारण आटा अब भी 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। थोक कारोबारियों ने कहा है कि निर्यात रोके जाने और डीजल का रेट कम होने से गेहूं के भाव में फिलहाल कमी आई है। गेहूं के निर्यात पर पाबंदी का असर संभाग की सबसे बड़ी मंडी में फिलहाल दिखाई दिया है। केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी। वहीं निर्यात पर प्रतिबंध के पहले गेहूं 3640 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक गया था, लेकिन निर्यात पर रोक लगने के बाद इसके भाव 3100 रुपए से ज़्यादा नहीं रहे। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जिन किसानों के पास अच्छी क्वालिटी के गेहूं हैं, उन्होंने अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में स्टॉक कर लिया है। जरूरतमंद किसान निर्यात के पहले भी बेच रहे थे और अभी भी मंडी में लेकर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि निर्यात पर प्रतिबंध के बहाने जानबूझकर भाव कम किए गए हैं, इसका नुकसान फिलहाल किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तय किए हुए हैं। इससे अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचने की जगह मंडी में बेचना ज्यादा पसंद किया। मार्च में समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने के बावजूद अधिकांश केंद्र सूने रहे। वहीं निर्यात पर प्रतिबंध के पहले गेहूं के न्यूनतम भाव 1210 रुपए थे, जबकि निर्यात पर प्रतिबंध के बाद इनमें भी कमी आई है। ऐसे में किसानों ने अब सरकारी खरीद की तरह मंडी से भी फिलहाल दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।